दोस्तों, इस बच्चे का शरीर इतना गर्म है कि जब भी वो गुस्सा होता है तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, और जब बगल वाली आंटी सूरज को किस करती है तो उसकी होंठ जल जाती है। और जहां सभी बच्चे पानी से नहाता है, वहीं पर सूरज अपने आप को ठंडा रखने के लिए आग बुझाने वाले स्प्रे से नहाता है। लड़का जैसे ही आइसक्रीम खाने के लिए उसे पकड़ता है तो वो जलकर पिघल जाती है, क्योंकि ये जन्म से ही आसमान में दिखने वाले सूरज की तरह ही गर्म है, जिसके कारण वो जिस चीज को भी छूता है वो जलने लगता है, जिस वजह से इसके साथ कोई भी बच्चा नहीं खेलता, इसलिए वो अपनी बहन के साथ ही खेलने लगता है। लेकिन उसका बहन भी उसकी मजाक उड़ाता है, जिससे वो गुस्से में लाल होकर बेड को ही जला देता है। उसी समय उसकी माँ आकर उसको ठंडा कर देती है। कभी बाल्टी के पानी को गर्म करना और अपनी बहन के सोते टाइम उसके बाल को सेट करना, और कभी कभी मस्ती में अपने छोटे भाई से पहले अपनी उंगली से पटाखे जला देता है। अब उसके परिवार उससे परेशान होकर उसे ठंडा रखने के लिए बच्चन की दुकान का ठंडा ठंडा तेल और पीठ पर शाहरुख का कूल कूल पाउडर भी उड़ गया, पर मुन्ना फिर भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब उसकी शादी के लिए लड़की देखने गई, सूरजमुखी झट से कुल्फी ले आई, एक एक करके सबको थमाई, बट इस बार सूरज की कुल्फी पिघल ना पाई, और ये देख उसकी बहन चिल्लाई, मम्मा